नमस्कार समस्त सरकारी कार्मिकों के लिए एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि पे मैनेजर पर एक नया ऑप्शन शुरू किया गया है कि समस्त सरकारी कार्मिकों का पेमेंट डिडक्शन होगा और कितना डिडक्शन होगा उस बारे में बात करें तो देखिए लिखा गया है जयपुर एक ऑप्शन के बाद बढ़ गई सरकारी कार्म कार्मिकों में वेतन कटौती की आशंका सारे संवर्गों के वेतन कटौती के मिल रहे संकेत सहायक कर्मचारियों का एक दिन मंत्रालय कर्मचारियों के दो दिन का वेतन कटौती संभव अधीनस्थ सेवा कर्म कार्मियों के तीन दिन की वेतन कटौती हो सकती है गजेटेड अधिकारियों की पांच दिन की हो सकती है वेतन कटौती पेम नेजर पर सीएम कोरोना रिलीफ फंड डिडक्शन में हो सकती है कटौती पेम नेजर पर में बल्क डिडक्शन के ऑप्शन पर जाकर फॉर्मूला चुनना होगा बताया जा रहा है कि कटौती के बिना पेम नेजर पर बिल नहीं बन रहा एफडी के उच्च पदस्थ अफसरों के पास नहीं आए अभी कटौती के आदेश बिना आदेश के बावजूद इसे नए ऑप्शन से माना जा रहा है कि वेतन कटौती तय कर्मचारी नेताओं में भी बढ़ता जा रहा है पेशो पेश तो हो सकता है कि भविष्य में ये अनिवार्य न होकर स्वैच्छिक रखी जा सकती है या फिर सभी के लिए कंपलसरी कर सकते हैं लेकिन अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं है सिर्फ पेम मैनेजर पर डिडक्शन ऑप्शन शुरू हुआ है जैसे भी अगर कोई ऐसी न्यूज आती है तो जरूर से चैनल के माध्यम से आपसे साझा की जाएगी चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो लाइक कीजिएगा और सभी डिपार्टमेंट में शेयर ज़रूर से कीजिएगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत